हेलो एवरीवन, दिस इज जूही एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ JRF पट्टा, जहाँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में आप सभी के लिए लेके आती हूँ। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सोशियोलॉजी में किस टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन सोशियोलॉजी में बनते हैं, क्या पैटर्न रहता है सोशियोलॉजी का। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। बट उससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। JRF पट्टा वेबसाइट भी आप लोगों के लिए है, जहाँ पर आप लाइव टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। और JRF पट्टा एप्लीकेशन भी है, जहाँ पर आप डेली क्विजेस को सॉल्व कर सकते हो। PDF आपको मिल जाते हैं, काउंसलिंग सेशन आपको मिल जाते हैं। कोई भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको बता देती हूँ कि किस तरह का हमारा पेपर पैटर्न सोशियोलॉजी का रहता है, क्या क्वेश्चंस हमारे सोशियोलॉजी में बनते हैं, तो वो आपको मैं बता देती हूँ। जैसे पेपर वन का भी इस तरह का पैटर्न रहता है और पेपर टू का भी, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले तो सिंपल हमारे MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो सिंपल हमारे वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारा रहता है। नेक्स्ट जो हमारी चीज है, दैट इज MSOs, मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन, जहाँ आपको एक क्वेश्चन के चार ऑप्शंस दिए रहते हैं और फिर आपको कोड्स ऑप्शंस दिए रहते हैं, और फिर आपको कोड्स दिए रहते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है कि ए और बी ठीक है या बी और सी ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयार करना होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है असर्शन रीजनिंग, कि आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, असर्शन और रीजनिंग, और फिर उन वो सही है या नहीं वो आपको करना है। नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है, दैट इज स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपको बताना है क्या वो सही है या नहीं है। तो ये सारी इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैच द कॉलम। सोशियोलॉजी में अक्सर मैच द कॉलम आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगर जैसे बुक्स एंड ऑथर्स के नेम है, वो आपसे मैच द कॉलम्स में पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है, या मोस्टली आपको कंसेप्ट्स एंड प्रोपोनेंट्स का नेम आपको मैच द कॉलम में पूछ लेंगे कि आपको बताना है ये कंसेप्ट किस थिंकर ने दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चीज़ है, दैट इज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो सोशियोलॉजी पेपर टू में आपके दो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आते हैं और पेपर वन में भी आपका एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है। तो टोटल 15 क्वेश्चन दोनों पेपर के मिला के हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के मिल जाते हैं। तो 30 मार्क्स आपको बहुत अच्छे से ट्राई करना है, अभी से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे क्वेश्चन सही करो, जिससे 30 मार्क्स आप उससे स्कोर कर सको। तो अगर आप बिगनर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको नहीं पता है किस तरह के क्वेश्चन सोशियोलॉजी में बनते हैं, तो वो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे लिए सोशियोलॉजी में बनते हैं। तो ये अभी हमारा जो पेपर हुआ है लास्ट December 2022 में का जो एग्जाम था, और June 2023 का जो एग्जाम था। सो ये दोनों एग्जाम मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी अभी June 2023 में अपना JRF क्वालिफाई किया है, और December 2022 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना नेट क्लियर किया था। तो ये दो एग्जाम का एक्सपीरियंस मुझे है, इस तरह इन एग्जाम में किस तरह का पेपर पैटर्न रहता है। ये अभी लेटेस्ट पैटर्न के हमारे एग्जाम हुए हैं, तो ये इनका मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। और June 2023 का जो पैटर्न था, उसी तरह से अब हमारा दिसंबर एग्जाम भी होने वाला है, तो उसे किस तरह से प्रिपेयर करना है उन क्वेश्चन को, तो वो मैं आज आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो जो फर्स्ट टाइप ऑफ हमारा क्वेश्चन रहता है, वो मैंने आपको सिंपल बताया, MCQ टाइप का क्वेश्चन, जिसमें आपको सिंपल एक डेफिनेशन दे दी है या एक वन लाइन में क्वेश्चन दे दिया, और फिर आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो उसमें से आपको चूज करना है। ये बहुत बेसिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रही हूँ, बट अभी सिर्फ मैं अब आपको पेपर पैटर्न बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे उसमें बन सकते हैं। तो इसमें सिंपल आपको पूछा है, जैसे इंटेंटेड एंड रिकॉग्नाइज कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोशल एक्शन अपॉन अदर सोशल एक्टर और इंस्टीट्यूशन इस। तो सिंपल आपको बेसिक आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि लेटेंट फंक्शन क्या होता है, डिसफंक्शन क्या होता है, मैनिफेस्ट फंक्शन होता है। अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है तो आप इजिली इन क्वेश्चन का सॉल्व कर लोगे। तो ये सब मैंने आपको बताया था कि जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो आपको जो की कंसेप्ट हैं वो नोट डाउन करने हैं, तो उसके ये हमारे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, वन लाइनर। तो ये सारी चीज़ें हमें उससे प्रिपेयर करनी है। तो ये फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारा है, जो बिल्कुल सिंपल MCQ टाइप क्वेश्चन हमारा रहता है। नेक्स्ट भी हमारा सिंपल उसी तरह का MCQ क्वेश्चन है,
उसमें भी आपको सिंपल पूछा गया है कि किस तरह से कल्चर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, क्या फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स किस कल्चर के होते हैं, तो वो आपको एक तरह से डेफिनेशन टाइप में पूछ लेते हैं कि डोमिनेंट कल्चर अगर आपको पता है, या काउंटर कल्चर, कल्चरल मटेरियलिज्म, ये सब आपको पता है तो आप इन क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर सकते हो। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने जब आपसे सिलेबस डिस्कशन किया था तो उसमें आपको बताया था कि किस तरह से किन टॉपिक के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और फिर उनसे हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। तो ये हमारे सिंपल एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हमसे सोशियोलॉजी में पूछा जाता है वो है डेफिनेशन। आपको सिंपल कोई भी एक डेफिनेशन दे दिया जाएगा और आपको बताना है कि कौन कौन से थिंकर, किस थिंकर ने उस डेफिनेशन को दिया है। तो डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कभी कभी टफ हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी डेफिनेशन ऑब्वियसली हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम सबको याद कर सकें, तो वो हमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको कीवर्ड्स बेस्ड स्टडी करनी है, कीवर्ड्स आपको थिंकर्स के याद करने हैं, चॉइस एलिमिनेशन लगाना है कि किस तरह से, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी सारी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, बट फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाते हैं, कि आपको सिंपली कोई भी डेफिनेशन दे देगी एक टॉपिक की और उससे आपको थिंकर का नाम बता। एक चीज़ जो डेफिनेशन में अक्सर होता है, एक तो आपकी फैमिली मैरिज एंड किनशिप वाले टॉपिक्स अक्सर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, या सोशियोलॉजी की जो भी डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स ने आपसे डेफिनेशन दी है उनके बारे में आपको पूछा जाता है। जैसे इसमें एजुकेशन टॉपिक है, या हमारा बेसिक आपने देखा हो सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है हमारा ये टॉपिक यूनिट 3 सोशल इंस्टीट्यूशंस में, तो आपको सिंपल उस टॉपिक से डेफिनेशंस जो भी मैंने आपको हमेशा बोला है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो सिलेबस का, हमेशा उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके जो भी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपको पता होना चाहिए, तो सिलेबस से भी आप काफ़ी हद तक चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो MSOs टाइप होते हैं जो कि बनते हैं, तो ये आप देखो एंथनी गिडेंस हमारे क्लासिकल थिंकर्स हैं। तो मैंने जब आपको सिलेबस डिस्कशन किया था तो उसमें भी आपको बताया था कि क्लासिकल थिंकर्स में एक ना एक थिंकर ऐसा होता ही है। क्लासिकल थिंकर्स या बेसिकली मैं बोलूं यूनिट 1 के जो 26 थिंकर्स हैं, उनसे आपको अक्सर एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही, जिनको आपको उनकी बुक्स को क्रोनोलॉजी वाइज अरेंज करना होगा। तो 26 थिंकर्स की जो बुक्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बिल्कुल उनका ईयर वाइज आपको याद रखना है कि किस ईयर में कौन सी बुक पब्लिश हुई थी, क्योंकि उससे अक्सर हमारे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो इसमें आप देखो कि सिंपल आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था, तो अगर आपको ईयर पता हो और अगर आपने उसे बार बार रिविजन अगर आपने उसको किया हो, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि बुक्स के नेम आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं, स्पेशली 26 थिंकर्स के तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी ही है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये भी क्रोनोलॉजी वाले टॉपिक ही है, तो क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अक्सर सोशियोलॉजी में हमारे लिए बनते ही है, तो आपको ये चीज़ें भी हमेशा याद रखनी है। इसमें भी सेम आपको ईयर याद रखना है। मैंने आपको बताया था जो भी फैमिली लॉज एंड एक्ट्स हैं तो उनसे हमारा अक्सर क्वेश्चन बनता ही है, तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किस तरह से हम इन्हें याद कर सकते हैं। ये भी सेम चीज आपको जब आप बार बार रिवीजन करोगे इन टॉपिक्स का तभी आपको याद होगी, तो अभी से ट्राई करना है। कि मैंने आपको नोट्स वाले वीडियो में भी बताया था कि ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में मेंशन करनी है, जिससे आप उनका बार बार इजीली रिविजन कर सको। तो ये एक हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया MSAs जो आप पे बनते हैं, तो सिंपल आपको कोई भी थ्योरी दे देंगे या किसी थिंकर का पर्सपेक्टिव दे देंगे और आपको बताएंगे कि क्या ऑप्शन सही है। तो इस तरह से MSO क्वेश्चन आपके बनते हैं, जहाँ आपको एक टॉपिक दे दिया, उससे रिलेटेड 5 to 6 आपको ऑप्शन दे दिए, एंड देन फिर आपको कोड्स दे दिए जाएंगे कि इसमें से कौन सा सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे सोशियोलॉजी में बनते हैं। ये क्वेश्चन आप तभी आंसर कर पाओगे जब आपने थोड़ा डीप में उन टॉपिक्स को स्टडी किया हो, डीप में थ्योरी को पढ़ा हो। तो जैसे पार्सन के बारे में पूछा गया, जब आपने पार्सन की थ्योरी को डीप में पढ़ा होगा तभी आप इस तरह के क्वेश्चन आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो
ये जो क्वेश्चन है ये हमारी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर डिपेंड करते हैं। जब आप पूरा जो जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए तब आपको थ्योरीज में डीपली पढ़ना स्टार्ट करना है, तभी आप इन एमएसओस टाइप क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन अभी रिसेंट टाइम में जो बनने लगे हैं पेपर वन में भी और पेपर टू में भी, वो हमारे एमएसओ ही है। पेपर को जानबूझकर अब लेंदी बनाया जा रहा है, तो मोस्टली आप मान के चलो कि ये चीज आप बिल्कुल मान के चलो कि आपका पेपर लेंथी ही आने वाला है। इसी तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आने वाले हैं, बट इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक होता है जिनको आप लेंथी क्वेश्चन को भी इजीली आंसर कर सकते हो। तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें ट्रिक्स लगानी है, किस तरह से हम चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हैं, तो वो सब भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट फिलहाल आपको ये याद रखना है कि इस तरह के एमएसओ हमसे पूछे जाते हैं, जो आपको ऑप्शंस दे देंगे और फिर आपको इन कोड्स में से सिलेक्ट करना होगा। तो ये भी हमारा एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेम आपको देखो, मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बताया था स्ट्रेटेजी वीडियो जब मैंने आपके लिए बनाया था, तो उसी में ही मैंने आपको एक चीज बोली थी कि आपको जो भी सिलेबस में जो भी टर्म मेंशन है, अगर आप उससे रिलेटेड उसका मीनिंग और जो भी थिंकर उससे एसोसिएटेड है, अगर आप उनका नेम भी याद कर लेते हो तो भी आपके बहुत अच्छे से चीजें प्रिपेयर हो जाती। जैसे हर्म्यूनेटिक्स टॉपिक हमारे यूनिट टू सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन, आपसे यहाँ कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ उससे रिलेटेड जो भी थिंकर्स हैं उनके नेम पूछे गए हैं। तो इसमें आपको ये चीज और क्वेश्चन पढ़ते टाइम ध्यान में रखना है कि इसमें नॉट पूछा गया है या आपको सीरियसली पूछा गया है कि क्या थिंकर्स एसोसिएटेड है। तो ये सब आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आप इजीली आंसर कर पाओगे, अगर आप अदरवाइज मिस्टेक्स भी हो सकती है। तो ये चीज हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सिलेबस मैंने आपको बताया ही कि आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस से ही आपके मोस्टली टॉपिक्स कवर होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको पूरा यूनिट वाइज सिलेबस एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियोज भी जरूर ध्यान से देखें। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो है असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन। तो ये भी अक्सर अब बहुत ज्यादा बनने लगे हैं हमारे सॉरी सोशियोलॉजी में। तो जहाँ आपको असर्शन दिया होता है रीजन, तो सबसे पहले इन क्वेश्चन को तो आपको जैसे असर्शन सही है या नहीं वो चेक करना है, रीजन सही है या नहीं, फिर दोनों आपस में रिलेटेड है या नहीं, तो ये आपको चेक करने होते हैं। ये क्वेश्चन कुछ भी मैं आप देख सकते हो, अपने मन से बनाकर नहीं लाई हूँ, जो एक्चुअली मैं आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी लास्ट टू एग्जाम्स में, वही क्वेश्चंस के फोटोज मैंने आपके लिए लगाए हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि इसी तरह के क्वेश्चन अब मोस्टली हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें प्रैक्टिस भी इन्हीं क्वेश्चन की ज्यादा करनी है, असर्शन रीजनिंग की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आप इनको बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। अदरवाइज आते हुए क्वेश्चन भी हमारे गलत हो जाते हैं, तो वो चीज हमें अभी से प्रैक्टिस में लानी होगी हमें कि हम किस तरह से क्वेश्चन हमारे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे जो क्वेश्चन है वो है स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन, कि आपको दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे और फिर आपको बताना है कि क्या दोनों सही है या दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, तो इस तरह से आपको बताना होता है। तो ये भी हमारे मोस्ट आस्क्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरह के लेंदी क्वेश्चन ही मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपको अभी से प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट आपको ज्यादा से ज्यादा देने हैं, जिसमें आपको ये सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सको। इसलिए जेआरएफ अड्डा पे आपके लिए टेस्ट सीरीज भी हम लेकर आएंगे बहुत जल्दी, तो वो भी आप बाय कर सकते हो, फिर उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हो अभी से ये सारे क्वेश्चन की। तो ये भी आपको प्रिपेयर करना है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मैच द कॉलम टाइप हमारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सिंपली आप देखो आपको टॉपिक का नेम दिया हुआ है और थिंकर्स के नेम दिए हुए हैं, तो ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, तो आप इजिली भी इन क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो कि किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, किस तरह से हम मैच द कॉलम। तो ये सिंपली आपको चीजें सिर्फ टॉपिक का नेम पता हो, मैं आपको हमेशा बार बार वही चीज बोल रही हूँ कि टॉपिक का नेम पता करो, उससे जिस भी थिंकर ने वो कंसेप्ट आपका दिया है, जो भी मेजर डेवलपर है वो उनके पता करो, मीनिंग्स भी टॉपिक का पता करो, क्योंकि उस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे आते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है, कि किस तरह का पेपर पैटर्न हमारा रहता है। तो ये कुछ मोस्ट टाइप के आस्क्ड क्वेश्चंस से हमारे सोशियोलॉजी के जो अक्सर बनते ही हैं। तो मैच द कॉलम मैंने आपको बताया कि किस तरह से मैच द कॉलम के क्वेश्चन बनते हैं। मैच द कॉलम बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ये आप ऐसे क्वेश्चन है जो आप सारे सही कर सकते हो, और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है हमारे यूजीसी नेट एग्जाम में अभी तक। तो मैच द कॉलम आप बहुत अच्छे से अभी से प्रैक्टिस करना ट्राई करो कि कैसे हम चॉइस एलिमिनेशन उसमें लगा सकते हैं, तो वो भी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ।
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरह से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। ये भी अब काफी हद तक कुछ डीप इसमें पॉइंट्स पूछने लगे हैं, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब ऊपर ऊपर से पढ़ के हमारा काम नहीं चलने वाला है, काफी हद तक अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं हमारे सोशियोलॉजी में भी, और नेशनल लेवल एग्जाम है, तो आप मान के चलो आपको अच्छे स्टैंडर्ड लेवल के ही क्वेश्चन मिलेंगे। इजी अब आपको सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन नहीं देंगे, और अगर वन लाइनर क्वेश्चन जैसे सोशियोलॉजी में आते भी है ना, तो मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट वन लाइनर क्वेश्चन को ही आंसर करना होता है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आपको उसका मतलब पता होगा या आपको नहीं पता होगा। तो जो मोस्टली गलत होने के चांसेस होते हैं वो भी हमारे एमसीक्यू ही होते हैं, क्योंकि बाकी जैसे एमएसओज हैं तो उसमें हम चॉइस एलिमिनेशन लगा सकते हैं, मैच द कॉलम है तो उसमें हम चॉइस एलिमिनेशन इजीली फिर भी लगा सकते हैं, और वो क्वेश्चन हमारे सही भी हो जाते हैं। तो एमसीक्यूज भी इतना इजी उन्हें नहीं समझना है, तो ये टॉपिक्स भी हमें बहुत अच्छे डीप में इनके लिए हमें पढ़ना होगा, तभी हम इन्हें इजीली आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट असर्शन असर्शन रीजनिंग मैंने आपको बता दिया कि मोस्टली अब असर्शन रीजनिंग हमारे बनते हैं, तो ये भी हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एमएसओज मैंने आपको बता दी कि किस तरह से, या तो सोशियोलॉजी में तो अक्सर आपको थिंकर्स के ऊपर एमएसओज बनते ही बनते हैं, आपको मोस्टली अक्सर ऐसे क्वेश्चन देखने मिलेंगे एमएसओ में जहां आपको मोस्टली टॉपिक का नेम दे दिया जाएगा, और फिर उस टॉपिक पे जिस भी थिंकर ने काम किया है तो वो आपको एमएसओ में पूछ लिया जाएगा। तो ये सोशियोलॉजी में स्पेशली थिंकर्स के नेम तो आपसे पूछे ही जाते हैं, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया एमएसओ थ्योरीज में किस तरह से बनते हैं, तो वो चीज आपको प्रिपेयर करनी है। क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन अक्सर बुक्स एंड ऑथर्स के और एक्स एंड लॉस के जो हमें बनते हैं, तो वो चीज हमें बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। बुक्स का स्पेशली 26 थिंकर्स का मैंने आपको बता ही दिया कि इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, और जो सिंपल एमसीक्यू टाइप जैसे डेफिनेशन होती है वो कैसे सॉल्व करना है, सिंपल जो एमसीक्यूज हैं वो मैंने आपको बताया। तो ये सारे जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से क्या पेपर पैटर्न हमारा सोशियोलॉजी का रहता है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे सोशियोलॉजी में बनते हैं, तो वो मैंने सारा आपको बता दिया। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कैसे हम ट्रिक्स लगा सकते हैं, चॉइस एलिमिनेशन हमें कैसे लगाना है। चॉइस एलिमिनेशन भी आप ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बेहतर तरीके से अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पी वाई क्यूज को कैसे एनालाइज करना है, कैसे पी वाई क्यूज के थ्रू भी हम अपने टॉपिक कर सकते हैं, तो पी वाई क्यू एनालिसिस कैसे करना है, वो सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और इसके लिए आप जेआरएफ पट्टा ऐप पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और स्पेशली पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत अच्छे से बताने वाली हूँ, तो आप वहां मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ मैं आपको बहुत अच्छे से हर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज कवर कर पाऊंगी। तो आप चाहते हो मेरे साथ प्रिपेयर करना तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। यूट्यूब की क्लासेस हमारी 4 PM पर चली रही है, तो वो भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मंडे से हमारी प्रॉपर कंसेप्ट वाइज जो क्लासेस हैं वो भी चालू हो जाएंगी, तो उसके लिए भी आप मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर भी करो, कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कॉमेंट करके भी मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।